हाँ बेटे, मैं एसपी दीक्षित जीपीएससी स्कूल गुडागोर जी से। बेटे अपन कृषि जीव विज्ञान के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि सूत्र क्रम के की संरचना, मैंने आपको पूरी बताया था कि सूत्र क्रम की संरचना क्या होती है, उस संरचना के बारे में मैंने आपको बता दिया। और संरचना के बाद अब मैं आपको बता रहा हूँ, संरचना चल ही रहा था, संरचना में इसमें आपका सूत्र क्रमी का बेटे आपका ये चित्र रह गया था, तो आप चित्र और देख लीजिए। ठीक है, चित्र में देखो आप, बेलनाकार आपने पढ़ा ही था, ठीक है ना, बेलनाकार। इसके अलावा मिथ्या देंगे की ये मैंने आपको बताया था। इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा था कि इसके जो आगे का जो शरीर जो होता है वो कैसा होता है, नुकीला होता है, आपने दोनों पढ़े थे, बताया हुआ है पहले का कि दोनों आगे के जो शरीर जो होते हैं वो कैसा होता है, अग्रशिरा, और अपन ने पढ़ा था पश्चशिरा, ये दोनों कैसे होते हैं, ये दोनों ही अपन ने पढ़ा था, ये दोनों ही बेटे नुकीले होते हैं। क्लियर। अब आप यहां पर ये देखिए, यहां पर अगर अपन देखें, ये सिर वाला रीजन है, सिर वाले रीजन में अगर अपन देखें तो आप ऐसे देखिए, इस तरह का, ठीक है, फिर ये आपका तंत्रिका वलय है, ठीक है, और ये आपका कंटिका है, कंटिका, और ये तंत्रिका वलय, और ये जो वाला पोर्शन है ये कौन सा है, ये आपका अगर अपन देखें तो आप ध्यान रखें ये सिर वाला रीजन है, ठीक है। अब इसके बाद ये चालू हो जाता है इसका, ये ग्रसिका वाला रीजन ये आपका चालू हो जाता है, ये ग्रसिका वाला रीजन है, ये कौन सा हो गया, ये हो गया ग्रसिका। क्लियर। ग्रसिका के बाद ये यहाँ पर अगर अपन इसमें देखें तो ये गोनट्स वाला ये रीजन है इसका, ये ऐसे, ये ऐसे, ये इसका ये चालू हो जाएगा, ठीक है बेटे, ये इसका ये चालू हो गया इस तरह से, ये चालू हो जाता है आपका, ठीक है। ये आपको क्या है, ये ग्रसिका हो गया है ना, और ये हो गए अंडाशय, ठीक, अंडाशय के बाद आपका पीछे वाला पोर्शन हो जाता है पूंछ, ये आपका हो गया ये पूंछ, इस तरह से ये है सूत्र क्रम, क्रमी का नामांकित चित्र, ये पूछा जा सकता है दो नंबर में आपके इसमें, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि सूत्र क्रमी क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे सिर वाले रीजन में सबसे पहले ये कंटिका आपकी आ जाएगी, फिर इसके बाद ये इसका तंत्रिका वाला है, नर्वस सिस्टम वाला पार्ट है, ग्रसिका आपको पता है किसका भाग है, ये अपन बोलेंगे आहार नाल का भाग है, ठीक है। इसके बाद पोस्टीरियर रीजन में ये आप जो देख रहे हैं ये क्या है, अंडाशय है, ये अपन बोलेंगे ये मादा जनन अंग है, मादा जनन अंग, ठीक है। और ये पीछे वाला भाग क्या है आपका, पीछे वाला आपका ये हो जाएगा पूंछ।
इस तरह से सूत्र क्रम की जो संरचना है वो आपकी समाप्त, ठीक है। सूत्र क्रम वाली संरचना आपका पूरा कंप्लीट हो गया। इसके पहले मैंने आपको बताया भी था कि इन सूत्र क्रमियों में अगर अपन देखें तो जो बाह्य पोर्शन जो होता है, जो बाहरी आवरण जो होता है, किसका बना होता है बताइए? बताया हुआ है किसका बना हुआ होता है, ये मैंने आपको बताया था, क्यूटिकल का बना होता है। क्यूटिकल किसका बना हुआ है? क्यूटिकल। और क्यूटिकल का निर्माण किसके द्वारा होता है? क्यूटिकल का निर्माण अगर अपन देखें तो आपको पहले भी बताया गया है, इसका निर्माण अपन बोलेंगे अधिचर्म। अधिचर्म की कोशिकाओं के द्वारा अपन बोलेंगे इसका निर्माण होता है, ठीक है बेटे। अधिचर्म की कोशिकाओं के द्वारा किसका निर्माण होता है? अपन बोलेंगे क्यूटिकल का निर्माण अधिचर्म की कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो अपन बोलेंगे जो क्यूटिकल्स के का बाहरी आवरण होने के कारण एक विशेष अनुकूलन के रूप में भी आता है। तो ध्यान रखें, परजीवी अनुकूलन में अपन बोलेंगे विभिन्न प्रकार के अम्ल और क्षारों से अपन बोलेंगे इससे क्या होती है, इससे अपन बोलेंगे क्यूटिकल की क्या होती है, सुरक्षा होती है, ठीक है। और यह अपनी सामान्य अवस्था को ये बनाए रखता है, क्लियर, ओके। ये स्ट्रक्चर आपका, ये जो है सूत्रकर्म की जो स्ट्रक्चर है वो अब समाप्त हुआ, ठीक है। सूत्रकर्म की स्ट्रक्चर समाप्त। अब अपन इसमें देखेंगे सूत्रकर्म का वर्गीकरण। अगला पॉइंट है आपके इसमें सूत्रकर्मी, सूत्रकर्म का वर्गीकरण। अगला टॉपिक है आपका सूत्रकर्म का वर्गीकरण, ठीक है। इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखें, ओके, थैंक यू।